अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सोयाबीन्स का रेसिपी दिखाऊंगी आप लोगों को। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं 200 ग्राम सोयाबीन्स ले ली, उसे मैं अभी पानी में भिंगा दूंगी, क्योंकि सोयाबीन्स किचकिच करता है फ्रेंड्स, किचकिचाता है, इसलिए मैं पानी में भिंगो दूंगी तो इसका सारा मैला निकल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, तो चलिए मैं अभी यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने यहाँ पर आलू काट ली, 4 बड़े बड़े साइज़ के आलू ली थी मैं, इसे मैं काट के धो के यहाँ पर रखी हूँ। और उससे पहले मैं इसमें क्या मसाला दूँगी वो दिखा दे रही आप लोगों को। इसमें मैंने अदरक लहसुन तो ये मसाला को पीसने से पहले मैं इसे धो लूँगी अच्छे से, नहीं तो अदरक में बाली रहता है, बहुत टाइम बाली मिट्टी रहता है। तो मैंने यहाँ पे धो ली हूँ अदरक को। तो यहाँ पे मैं जीरा गोल मिर्च ले ली हूँ, और लूँगी लौंग, इलायची, और लूँगी दालचीनी। आप लोग अपने अंदाज से भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं ले लूँ और मैं मिक्सी में मसाला को पीस लूँ। तो चलिए, मेरे मसाला में गर्म मसाला कम था इसलिए मैंने ये दी, अगर आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल गरम करने दी थी, मैं रिफाइन ऑयल ली हूँ, अगर आप लोग चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आलू को फ्राई कर लूँ। और यहाँ पर ही मैं उससे पहले आपको बता दूँ, मैं सोयाबीन्स को पानी से उठा के 2 बार धो ली हूँ। तो यहाँ पर ही मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़े से हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, और इसमें दूँगी स्वाद अनुसार नमक फ्रेंड्स। तो इसमें ये सब देने का कारण यही हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छा लगेगा, आलू का टेस्ट अच्छा आता है फ्रेंड्स, इसलिए। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर लूँ। तो देखिए आलू का कलर कितना सुंदर आया है। तो आलू का कलर जितना सुंदर आएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को खाने में भी उतना ही टेस्ट लगेगा आलू के अंदर सब मसाला ढोकने से। तो चलिए, अब मैं सोयाबीन्स को तो धो ली थी आप लोगों को बताए, तो चलिए मैं कढ़ाई में तेल गर्म करने दी हूँ। यहाँ पर देखिए, तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने दी थी, वही तेल था, फिर वापस से मैं थोड़े से तेल ऐड की थी सोयाबीन्स को फ्राई करने के लिए। सोयाबीन्स में थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए, और फ्राई कर लूँ। और वही प्रोसेस से मैं फिर से इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर दूंगी, पर इसमें अभी एक चीज़ नहीं दूँगी मैं। देखिए, इसमें एक लहसुन आ गया है सोयाबीन्स के साथ, तो इसमें मैं अभी नमक ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सोयाबीन्स को भिंगाने से सोयाबीन्स का सड़ जाता है कढ़ाई में, तो टूट टूट जाता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं नमक अभी नहीं दूंगी, मैं थोड़े देरी बाद दूंगी। और सोयाबीन्स को अच्छे से फ्राई कर लेना एकदम कड़ा कड़ा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं फ्राई कर लूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे प्रोसेस। देखिए, ऐसे ही प्रोसेस से सब तेल सब टान लिया, एकदम सूख गया, तो इसी में अब मैं नमक ऐड कर दूँगी। और सोयाबीन्स में फ्रेंड्स नमक ऐड करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप नमक नहीं देंगे तो नमक नहीं डूबता सोयाबीन्स में। तरकारी में जितने ही दीजिए फ्रेंड्स, तरकारी का जो मैंने ग्रेवी रहता है उसी में नमक रहता है, पर इसमें नहीं ढोकने मांगता फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें मैं सरसों का तेल ले ली थी, क्योंकि मैं फ्राई करते टाइम मैं तेल से ही फ्राई की हूँ। देखिए, तो इसमें तेल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इधर में ली हूँ 2 तेज़पत्ता, और 1 बड़ा साइज़ का प्याज, और 2 छोटे छोटे टमाटर ली हूँ। तो चलिए, मैं तेल में इसे दे दूँगी। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं सादा तेल से मैं फ्राई की थी फ्रेंड्स, इसलिए। तब मैं पकाने में सरसों का तेल लूँगी, अगर आप लोग चाहे तो सादा तेल भी ले सकते हैं। तो चलिए, तेल यहाँ पर ही गर्म हो गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अब मैं सब छोड़ दूँगी, प्याज, उसके बाद मैं तेज़पत्ता दोनों ऐड कर दे रही हूँ, देखिए आप लोग। तो चलिए, मैं प्याज को लाल कर लूँ अच्छे से ब्राउन। देखिए, प्याज ब्राउन हो गया है अच्छा से। तो अब मैं इसमें मसाला दे दूँगी, पीसा हुआ मसाला मैंने रख दिया थे, दिखाए थे आपको, तो मैं इसमें ऐड कर दूँ। तो चलिए, और इसमें भी मैं सेम प्रोसेस से जो जो मसाला मैं दी थी वही दूँगी, हल्दी पाउडर, पर इसमें मैं एक चीज़ ज़्यादा दूँगी, वो हो रहा है फ्रेंड्स, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर दूँगी मैं इससे में। तो चलिए, मैं पहले हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ऐड कर दूँ। ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच दी हूँ, अगर आपको लगे ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो चलिए, मसाला को अच्छे से कस लेना है, और नमक भी दे दी हूँ मैं स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं आलू में और सोयाबीन्स में नमक दी थी फ्रेंड्स, इसलिए। तो चलिए, अब मैं टमाटर भी दे दूँगी, क्योंकि टमाटर अगर नहीं गलता है तरकारी में तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, टमाटर का स्वाद ही नहीं आता है। तो देखिए, मेरा मसाला कैसे हो गया है, एकदम सूख गया। फिर से मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, पानी ऐड करने के बाद मैं इसे ढक्कन से ढाक दूंगी 10-15 मिनट। 10-15 मिनट बाद इसे मैं खोल के देखूंगी, आप लोग अपने अंदाज हिसाब से पानी देना,
एक प्याला भी दे सकते, दो प्याला भी दे सकते, मेरा टमाटर थोड़ा हार्ड था इसलिए। तो चलिए मैं अभी ढक्कन से ढक दूँ। तो मैं 10 मिनट बाद खोल रही हूँ, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा मसाला का पूरा तेल छोड़ दिया, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं सोयाबीन को सब डाल दूँगी। तो मैंने इसमें सोयाबीन और आलू दे के मैं अच्छे से इसे कस लूँगी, 5 मिनट दे दूँगी। आप लोग चाहे तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी इसमें। तो चलिए सोयाबीन को कसना हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़े से ऑयल है तो मैं इसी में पानी डाल के इस तरकारी में दे दूँगी, क्योंकि इसमें तेल है इसलिए। तो चलिए मैं अंदाज से पानी डाल देती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी अंदाज से ही डालना। तो देखिए मैं डाल दी हूँ, अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूँगी मैं, क्योंकि सोयाबीन्स तो फ्राई कर ली थी, आलू भी फ्राई कर ली थी इसीलिए। तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, तो अंदाज से देना है। तो चलिए मैं इसे बाद में खोलूँगी। तो यहाँ पे मेरे सोयाबीन्स हो गए, देखिए मैं इसमें ग्रेवी नहीं रखी, आप लोग चाहे तो ग्रेवी रख सकते हैं, पर मैं सूखा सूखा ही की हूँ। तो मैं राइस के साथ सर्व की हूँ फ्रेंड्स इसे, आप लोग चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, हल्का हल्का ग्रेवी। तो चलिए अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों करना फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना फ्रेंड्स। अच्छा।